वन फोर्थ ऑफ द वॉटर फ्लोज आउट फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉर्स ड्रॉप्ड इन द वेल दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कौन की शेप में है इन्वर्टेड कौन मतलब होता है उल्टा कौन और इसकी हाइट है हमें गिवन एट सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट हमसे कहा गया है विच इज़ ओपन और ये जो हमारे पास वेसल है ये ओपन है नेक्स्ट कहा गया है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम और ये पानी से टॉप तक भरा हुआ है ब्रिम मतलब इसके पूरा जो यहाँ तक है ना ये टॉप तक ये पूरा वॉटर से भरा हुआ है वन लेट शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज फेयर ऑफ रेडियस जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और हमारे पास गिवन है स्फेरिकल शेप के लेट शॉर्ट्स लेट शॉर्ट का मतलब होता है शीशे की गोलियाँ और जब ये हमारे पास पानी में जो वेसल है ना ये ये पूरा पानी से भरा हुआ है इसमें डाली जाती हैं तो कुछ पानी बाहर आ जाता है कितना पानी बाहर आता है विच इज फेयर ऑफ रेडियस जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इन टू द वैसे वन फोर्थ ऑफ वाटर फ्लोज आउट फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन टू द वैसे तो हमें यहाँ पे बताना है कितनी गोलियाँ डाली गई कि जो पानी है पूरे बर्तन का वन फोर्थ वाटर क्या हो गया फ्लो आउट हो गया बाहर आ गया तो हमें बेसिकली यहाँ पे बतानी है नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेती हूँ लेट द नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स बी अब देखिए लेट शॉर्ट्स हमें नहीं पता कितनी है तो इसे मैं मान लेती हूँ एन रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल कॉनिकल वेसल कौन सा है ये वाला और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी फाइव सेंटीमीटर नाउ हाइट हमें गिवन है हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल ये हो जाएगी एट सेंटीमीटर और अब आ जाती है ये हमारे पास क्या है लेड शॉट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और इसकी शेप क्या है स्फेर ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है रेडियस ऑफ फेयर कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स ना तो हम लिखेंगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि वन फोर्थ जो पानी है वो क्या है बाहर निकल जाता है जैसे ही लेट शॉर्ट्स डालते हैं अब लेट शॉर्ट्स तो नहीं पता ना कितनी है तो वन फोर्थ पानी क्या हो जाता है बाहर आ जाता है यहाँ से ठीक है और हमसे कहा गया है वन फोर्थ वॉल्यूम ऑफ कोन क्योंकि जो वेसल है हमारे पास वो किस शेप का है कोनिकल शेप का और ये किसके एक होगा वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स के जितने भी लेड शॉर्ट्स होंगी तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं देखिए एक शॉर्ट का अगर हमें वॉल्यूम पता लग जाए तो जितनी हमने मानी है उससे क्या कर देते हैं उसको मल्टीप्लाई तो सभी का वॉल्यूम हो जाएगा ना ये हो गया फोर अपॉइन थ्री पाई आर क्यूब क्योंकि लेट शॉट किस शेप की है स्फेयर की तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्फेयर का वॉल्यूम वन बाई फोर वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है वन अपॉन्ट थ्री पाई आर स्क्वेयर एच देखिए मैंने इसको कैपिटल आर माना है और जो स्वेयर की रेडियस है उसे स्मॉल आर माना है तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे कैपिटल आर आएगा और यहाँ पर स्मॉल आर आएगा अब इसको कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल हो रहा है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा नाउ हमारे पास ये थ्री है और ये थ्री कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये किस में डिवाइड में इस साइड लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो इसे पहले ही कैंसिल कर देते हैं एन की जगह एन लिखेंगे फोर की जगह फोर आर कितना है देखिए लेट शॉर्ट्स की आर है रेडियस कितनी है लेट शॉर्ट्स की ज़ीरो पॉइंट फाइव तो मैं इधर लिख देती हूँ ज़ीरो पॉइंट फाइव थ्री टाइम्स लिखनी है हमें नाउ लिख देते हैं वन बाय फोर इन टू में आर है ना आर स्क्वायर कितनी है फाइव तो मैं लिख देती हूँ टू टाइम्स आर और एच कितना है एट सेंटीमीटर अब देखिए कैंसिल कर देते हैं फोर वन द फोर फोर टू द एट नाउ इनके पॉइंट रिमूव कर देते हैं पॉइंट रिमूव करते नीचे जीरो आ जाएगी अब देखिए फाइव वन द फाइव फाइव टू द टेन फाइव वन दा फाइव टू द टेन फाइव वन द फाइव फाइव टू द टेन टू वन द टू 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 द फोर टू वन द टू टू वन द टू और यहाँ हम लिख लेंगे एन और हमारे पास यहाँ पे बचा है वन पॉइंट टू इक्वल टू में फाइव इंटू में फाइव इंटू में टू एन को हम यही रखेंगे फाइव इंटू में फाइव इंटू में टू ये जब इस साइड इक्वल टू के इस साइड जाएगा वन बाई टू तो क्या हो जाएगा इसका जैसे हो जाएगा वन ओपॉइंट टू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ इसे टू ओ वन और टू ओपॉइंट वन का मतलब क्या होता है टू होता है ना फाइव फाइव द ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी फिफ्टी को टू से करेंगे तो हंड्रेड और एन हमने क्या माना है नंबर ऑफ फ्लेट शॉर्ट्स तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्लेट शॉर्ट्स कितनी आ गई हंड्रेड शॉर्ट्स और यही हो जाएगा हमारा आंसर आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम भी मिल जाए तब तक के लिए बाय बाय